दूरबीन भांजे जी, जय हो। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके बाजुओं में जान होती है, होती है। अभी पंख दिखा रहे थे, पंख देखे, ये पंख आउका दादा आउका। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके बाजुओं में जान होती है, होती है। इन पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती, होती है। पंख तो फड़फड़ाते रहेंगे, मुझे बसंत पंचक करते ध्यान रखना। ध्यान दो भैया चाचा जी। ये बूढ़ा शेर है। चाचा जी कह रहे दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी भी चलेगी, नेतागिरी भी चलेगी और सबरी गिरी चलेगी, जितनी चलेगी। जय हो जय हो। ये बसंत जी का मंडल है, कोई पीढ़ी का मंडल नहीं जो हवा में उड़ा दो। सात दिन भागवत में क्या रहे समझे, हमारा ठेका हो गया। आउका, आउका। और ये गांव पता कौन सा है? ककराला। ककराला यहाँ एक परंपरा है कि अतिथियों का सम्मान होता है। तुम तो घर के है गए हो और हमसे कह रहे दादागिरी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं बताओ, चलेगी नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ चलेगी। जय हो चाचा। भूकंपों कुछ हुआ। तो आइए पहला गीत है, गीत को मैंने महाभारत से लिया है। पैरोटी क्या कह रही है और कोई कहता है क्या कहता है दादा? किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, किसी रोज उनसे मुलाकात होगी। भैया ही हमको ले गए थे, अब पुराने चाहने वाले मेरे को गाना देखना, इधर गाना देखना, इनकी जवानी देखना, मेरा बुढ़ापा देखना। अब फिर देना देना, देना का मतलब ये नहीं, मैं पहले कह चुका हूं कि मामा कितना भी शक्तिशाली हो, कभी दिमाग से निकाल देना कि मैं कंस हूं मामा, ये भी दिमाग से निकाल देना कि मारिच मामा हूं, ये भी दिमाग से निकाल देना महा बाहल मामा हूं, ये ध्यान रखना शकुनी मामा भी नहीं हूं, मैं कलयुग का बसंत मामा हूं, ये ध्यान रखना। और विशेष बात क्या है कि राकेश शीतल का बड़ा भाई हूं, इसका भी ध्यान रखना। फिर भी मामा है, फिर भी मामा। और दो दो माओ को मिलाकर मां बनता है, इसका भी ध्यान रखना, मां फिर मां, डबल मां, इसका ध्यान रखना। अब आइए पहला गीत है, बड़े प्यार से गा सकते हो, जब तुम बहुत छोटे रहोगे तब ये गीत चला था। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान तब वो मेरे पास होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, मेरा दिल अकेला, मेरा दिल अकेला, तेरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, 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 महबूबा,
मेरी महबूबा बना स्वयंवर धरती अंबर। द्रौपदी के स्वयंवर से बात शुरू है, गीत में कुछ बात क्या, इतने श्रोता हैं उस पर ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा हूँ। बना स्वयंवर धरती अंबर चित भी डगमग डोला डोला और योद्धाओं को देख सामने एक योद्धा ये बोला। ध्यान देना ये योद्धा ने कहा है, योद्धा ने कहा योद्धा से कि भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मालूम नहीं कि एक से एक धनुर्धर एक धनुर्धर स्वयंवर में आए, गुरु द्रोण के शिष्य पांडव सिधाए, लक्ष्य भेद कर जो मीन मार जाए वही इस स्वयंवर का स्वयंवर कहाए। कौन आंख से आंख को लख तेल की कढ़ाई में चक्र पर घूमती मछली की आंख को, आंख से आंख को लग आंख जो फोड़ देगा वही द्रौपदी को ले जा सकता है। स्वयंवर ने कहा आंख से आंख को लग आंख जो फोड़ देगा बोले महबूबा धनुर्धर योद्धाओं की है ये परीक्षा, ये साधारण स्वयंवर नहीं है, धनुर्धर योद्धाओं की है ये परीक्षा, किसमें किस कला की भरी है ये दीक्षा, किसने अपने गोरों से पाई है शिक्षा, स्वयंवर में एक एक की कर रहे समीक्षा, कर रहे समीक्षा, कर रहे समीक्षा, स्वयंवर में समीक्षा हो रही है, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, स्वयंवर में एक एक की हो रही समीक्षा, हो रही समीक्षा। ये स्वयंवर है सीता का जिसमें कहा आज गब शिव धनुष जो पहला स्वयंवर द्रौपदी का शर्त क्या है, आज गब शिव धनुष जो पकड़ के तोड़ देगा सीता को ले जाएगा, आज गब शिव धनुष जो पकड़ के तोड़ देगा बोले महबूबा महबूबा बोले महबूबा बोले कौशिक कौशल कला देखनी थी अपनी पुत्री सत्या के लिए स्वयंवर जा राजा कौशिक ने कौशिक कौशल
कला देखनी थी पल सारी वीरों की शक्ति परखनी थी सारी वीरों के शक्ति परखनी थी। और उसमें शर्त क्या थी कि 60 नुकीले सींगों वाले सांड उनको एक ही नाथ से जो नाथ देगा कि 7 सांड एक साथ हो 7 सांड एक साथ जो नाथ देगा सत प्रतिशत सत्या का वही हाथ देगा प्रबल शक्ति से शक्ति प्रबल शक्ति के शक्ति का हर रुख मोड़ देगा प्रबल शक्ति से शक्ति का हर रुख मोड़ देगा बोले महबूबा सत्या को बोले महबूबा बोले महबूबा बना धरती अंबर देखो स्वयंवर बना धरती अंबर देखो स्वयंवर बना धरती अंबर देखो स्वयंवर और इस स्वयंवर में सुर नर मुनि सब स्वयंवर सब पधारे महाबल स्वयंवर में सब पधारे महाबल और प्रबल शक्ति से भीष्म घुसे उसके अंदर प्रबल शक्ति से घुसे उसके अंदर देखते रहे थे सबके सब धुरंधर को हरण करके जो वर्णी हरण करके जो वर्णी नाता जोड़ लेगा बोले महबूबा गीत पर ध्यान देना दुर्वीर भाई ऐसे स्वयंवर हजारों हैं पुराणों में हजारों में लेके लेकिन मैं जो कह रहा हूँ चील भीत की थी जो पहली कहानी मील भेद की थी जो पहली कहानी ऐसी कोई और हो तो बताना ओ ज्ञानी ऐसी कोई स्वयंवर में पारथ ने ये देखिए फिर कर करा रहा युवा टीम और ये युवा टीम यहाँ से पाकिस्तान से कह रहे कि पाकिस्तान है पाकिस्तान तुझे जवाब दो टूक देते हैं जब भी चाहे तेरे आगे विजय का बिल्कुल फूंक देते हैं और जितने तेरे पाकिस्तान के लोग दाल और रोटी खाते हैं मेरे इतने ककराला के मेरे नौजवान गुटखा खा के थूक देते हैं। युवा टीम है ध्यान रखना अगर नरेंद्र मोदी केवल 1 घंटे की मोहलत उनको दे दें तो पाकिस्तान का सुपड़ा साफ करके यहाँ लौटे आएंगे। इसलिए युवाओं के लिए जोरदार ताली बजाएं देश के कर्णधार हैं। अब आइए जो बात कह रहा हूँ मील भेद की थी जो पहली कहानी ऐसी कोई दूसरी हो लाना गर हो ज्ञानी
स्वयं पर में अर्जुन ने मीन भेद की ना और आंख से लखी आंख आंख छेद की ना छेद की पतझड़ लेख लिख कर ये पतझड़ लेख लिख कर तीर जो छोड़ देगा आंख जो खोड़ देगा धनुष जो तोड़ देगा तीर जो छोड़ देगा बोले महबूबा क्या कहें आपसे क्या बात है रिचार्ज जवानी 20 रुपए का रिचार्ज पंख है नहीं बस हौसले बाकी है हाँ ये है भूतपूर्व जवानी ये 11 रुपए भाई बच्चा यादव जी की तरफ से मिले ओह क्या बात और ये 11 रुपए भाई सोनू जी की तरफ से मिले हैं और उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाया भाई देवेंद्र जी का जो इस दुनिया में नहीं है मेरे बहुत अच्छे मित्र थे जब मैं ककरारा श्री देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज में जब मैं पढ़ाता था तो मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी उनसे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे आपने जो माहौल तो बहुत अच्छा बनाया है ये जवानी बढ़िया आदमी है अपना माल तो दिखा रहे हो और जब दूसरे का पड़ेगा तब बसंत दादा एक बात बताइए आखिर आप खाते क्या है ये जवानी कौन सा चवनप्राश खा रहे हैं ये झंडू चवनप्राश बुड्ढा खाए जवान हो जाए क्या बात है बसंत मामा जी मोहब्बत में ढले जीवन का हर क्षण भी जरूरी है मोहब्बत में ढले जीवन का हर क्षण भी जरूरी है हम का स्वयं मिटाने ये रावण भी जरूरी है लखन ने राम ने लखन से राम ने बोला भले ही श्रेष्ठ कितने हो और अगर कुछ सीखना हो तो समर्पण भी जरूरी है ये बच्चों की बात है सीखना हो तो समर्पण भी जरूरी है और सुनिए स्वार्थ सोच में बसा हो जाता है और अपने ही विपरीत धरा का तब कड़कड़ हो जाता है ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता और जब मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है अगर मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है आपने एक बात बहुत अच्छी की के बोने नजर आओगे बोने नजर आओगे आपके बोने का हिसाब थोड़ा बीच में करूंगा मैं नहीं नहीं अभी मैं देखूंगा कि कौन कितना नजर आएगा दुर्वीन बेटा कुछ पीछे से भी आवाज आ रही थी हाँ पीछे से भी अजीब कला है पीछे से बोलते कि कईयों के साथ ग्वाला डोलता है
गैयों के साथ में ग्वाला डोलता है और ये पतीली तो चुप है मगर पीछे से चमचा बोलता है। और एक बात और आपने कही थी शुरुआत में कि सुबह तक देखेंगे किसमें कितना पानी है। सुनिए, किए हैं हाथ दो दो वक्त का मारा नहीं हूं मैं, न जिससे स्वर कोई थिर के वो एक तारा नहीं हूं मैं, अगर मिल ही नहीं पाई है अब तक जीत जीवन में। बसंत मामा जी जरा आप इधर देखिए, अगर मिल ही नहीं पाई है अब तक जीत जीवन में तो अभी तक लड़ रहा हूं आज तक हारा नहीं हूं। ध्यान रखना इस बात का, सुन लो तो टूट के बाद इसका ध्यान रखना कि ये बंडल नहीं है कि मंडल नहीं है, रात अभी बाकी है, बहुत बाकी है। जब रात बहुत बाकी है तो बात भी बहुत बाकी है। सुनिएगा, ये भी बाबा जी का कमंडल नहीं है जो पानी पी जाओ। गीत बहुत अच्छा गाया कि जरा तस्वीर से जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने मेरी महबूबा, अरे महबूबा बा बा महबूबा बा बा महबूबा बा बा महबूबा। जरा तस्वीर से तू स्वयंवर सत्या स्वयंवर। अब उसमें दिखा रहे थे कि आपने एक बात पूछी थी कि मीन को भेद कर और किसने शादी की, ये गीत की आपकी विशेषता थी। सुनिए, पूरन मल के एक चाचा अति प्रिय थे भाई, कि पूरन मल के एक चाचा अति प्रिय थे भाई, और था नाम शंखपति, ये दे तुमको है जतलाई। तो ऐसी शरत स्वयंवर में वहां पर रखाई, अरे ऐसी ही शरत स्वयंवर में वहां पे रखाई, तो मछली को भेद करके वहां हो गई सगाई। मछली को और देखिए मछली कैसे भेदी, मीन को भेद करके, मीन को भेद करके जो मन को मरोड़ देगा बोले महबूबा। अब देखो माय डियर, हेलो पलट, मीन को भेद करके जो मन को मरोड़ देगा बोले महबूबा, अरे महबूबा बा बा और महबूबा बा बा और महबूबा बा बा तो महबूबा, अरे महबूबा बा बा तो महबूबा बा बा तो महबूबा बा
आपका एक जवाब।